Now we are introduce the self cleaning street. ये हमारी जो सेल्फ क्लीनिंग स्ट्रीट है ये हाई कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट से बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेल्फ वो स्ट्रीट रेडियन लाइट लगा हुआ है, इसमें से वाटर कनेक्शन और वाटर पाइप अटैच्ड हुई हैं, जिससे हाई इंटेंसिटी के प्रेशर से वाटर निकल स्प्रे होता है और ये हमारी रोड को वॉश कर देता है। और इसमें कुछ पाइपें एयर की भी हुई हैं, लगी हुई हैं, जो एक कंप्रेसर से कनेक्टेड होती हैं और उससे हाई इंटेंसिटी की एयर रिलीज होती है, जिससे हमारी रोड नीट एंड क्लीन बन जाती है। डे बाय डे फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर के कारण हमारा रोड पेवमेंट क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें ये इक्विलिब्रियम मेंटेन बनाकर रखेगा। टू क्रैक्स देयर आर मेनी सेवरल एक्सीडेंट्स आर ऑकर्स इन स्ट्रीट एंड बाय द ग्रिपिंग ऑफ व्हीकल्स टायर there are many different types of gases reduces which harmful for human health. Now we are starting to demo of this project. Sir, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटेंसिटी से वाटर रिलीज हो रहा है, जिसके कारण हमारी रोड क्लीन और नीट होती चली जा रही है। ये जो हमारी स्प्रिंकलर्स हैं, इससे पानी काफ़ी तेजी से रिलीज हो रहा है और ये ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है। ये जो वाटर हमारा रोड से ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा, उसके बाद ये वाटर वेस्ट नहीं होगा, ये वाटर रिसाइकल होकर एंड फिल्टर होकर फिर से ये इसी चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगा एंड टाइम टू टाइम जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे फिर से ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारा विद इन एक मिनट के अंदर ये प्रोसेस हमारा पूरा डन होना है। जब हमारे ये रेड लाइट पॉइंटेड करेगी तब हमारे व्हीकल जेब्रा क्रॉसिंग पर स्टॉप होंगी, उसी टाइम ये सारा प्रोसेस डन होगा, जिससे हमारे व्हीकल और ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा ये जो मेन प्रोजेक्ट है ये हमारी रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए और बहुत टाइप के सब इंस्टेंसेस होते हैं जो रोड पर सच ऐसे काउ ड्रंक्स एंड वेरी डिग्रेडेबल वेस्टेज, जिसके कारण बहुत से मेजर इफेक्टिव एक्सीडेंट होते हैं, ये सब सारे रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसी गैसें, खतरनाक गैसें जो ह्यूमन हेल्थ और मेंटली दोनों को बहुत हार्म पहुंचाती हैं, वो सब वॉश्ड हो जाएगी इस प्रोजेक्ट से। हम इस प्रोजेक्ट के कुछ आपको एडवांटेज बताना चाहते हैं। इससे हमारी जो ये व्हीकल्स हैं, इस प्रोसेस से हमारी जो व्हीकल्स के लोअर पार्ट्स हैं, ये इनका मेंटेनेंस बहुत लो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट के कारण हमारे व्हीकल्स के लोअर पार्ट्स सच एज टायर इंजन ये सब में करोजन या बहुत सारी डिफेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, जिनसे हमारा व्हीकल्स के मेंटेनेंस बहुत आता है। पर इस प्रोजेक्ट से हमारे जब रोड एकदम क्लीन हो जाएगी पूरी तरह से, तब हमारे व्हीकल्स के मेंटेनेंस बहुत कम आएगा और ये इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट टाइप की गैसेस ये सब वेस्ट होती हैं, ये सब पूरा उन सबको इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाती हैं, वो सब सारे क्लीन हो जाएंगे। हमारा ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये पूरी तरह से कनेक्टेड हुए है, पूरी कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन सिस्टम द्वारा पूरा सारे प्रोसेस से स्टार्ट हुआ है, सारा सिस्टम इसी से बना हुआ है। ये हमारा वाटर चैम्बर है, ये हमारी पाइप है जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसमें छोटे छोटे पाइप्स यूज़ किए गए हैं, जिनको हम यहाँ पे जो रेडियन लाइट है इनको कनेक्ट करने के लिए नीचे से हम इसमें पूरा पाइप सिस्टम बनाया है, जिससे अगर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी होता है तो इस पर कोई भी व्हीकल या हैवी व्हीकल्स पास होने पर इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारी रोड IS 875 के अकॉर्डिंग इसमें हम बहुत टाइप के अच्छे मटेरियल यूज़ किए हैं, जिससे हमारा ये जो हमारी पेमेंट है ये स्नो लोड, डेड लोड, लाइव लोड और डिफरेंट टाइप के लोड को ईजिली बियर कर सकती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनाई गई है सारे रोडों से। और ये सारा हमारे इसमें हमारे मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है, सच ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट सर्विस वजह से हमारे कॉर्नर या स्ट्रीट पे होते रहते हैं, जिससे हमारा ये जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है इसको आराम से पता चल जाएगा और हमें तुरंत हेल्प मिल जाएगी। जो ये हमारा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसमें ये नोजल्स स्ट्रेट नोजल्स यूज हुई हैं जो स्ट्रेट पानी को थ्रो कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, इसकी जगह हम स्प्रिंकलर भी लगाकर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हमारा रोटेटिंग वाटर जो होगा इस पे वो रोटेटिंग होगा, जिससे हमारा पूरा कॉर्नर या पूरा सब पूरी पूरी रोड क्लीन हो जाएगी।